मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट्स में किसी ने लिखा था, हारने का बुरा नहीं लगता, बुरी तरह हारने का बुरा लगता है। इंडिया को न्यूजीलैंड के सामने हारते देख मेरे दिमाग में बस वही एक कमेंट घूम रहा था, गुस्सा, निराशा और बस एक सवाल, एक ऐसा लाइनअप जो एक साथ दो अलग अलग देशों में भेजकर जीत सकता है, वो लाइनअप इस तरह से हार कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे है? तो मैच देख देख कर और गुस्सा होना छोड़कर मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के सहारे। तो आज जानते हैं उस हार की कहानी आंकड़ों की जुबानी। तो पहला और आसान सा सवाल, फॉल पिच का था या प्लेयर्स का? अब ये सेकंड मैच होने तक इंडिया ने 40 ओवर्स में सिर्फ 6 सिक्सेस मारे थे और सिर्फ 2 विकेट ली थी, पर दोनों बार टॉस हार कर पहली बैटिंग करके। अब टूर्नामेंट में इस पॉइंट तक 16 मैचेस खेले गए थे जिसमें से 13 पहले बैटिंग करने वाले हारे थे। जो 3 मैच जीते भी थे वो नमीबिया, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के सामने, बांग्लादेश वाला मैच दोपहर को खेला गया था सो उसमें ड्यू वाला इफेक्ट काउंट नहीं होता। यूएई के इन पिचेस पर आप ड्यू के इफेक्ट को झुठला नहीं सकते। दिन में जो पिचेस बेताल बनकर गले पे नाचती है, वही पिचेस रात को किसी सहमे से बच्चे की तरह खोपचे में जाके छुप जाती है। सोशल मीडिया पर तो लोग ये जोक कर रहे हैं कि आप टॉस करो और घर के लिए निकल लो, मैच खेलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो क्या सिर्फ पिच की गलती थी, प्लेयर्स की नहीं? ना, यहां भी जरा सा लफड़ा है। आप पिछले 5 साल के T20 के रिकॉर्ड को खोल के देख ले, चेस करते वक्त हमने 32 में से 22 मैचेस जीते हैं, मतलब 68% विन रेट। इसी समय में जब हमने पहली बैटिंग की तब हम 41 मैचेस में से 22 मैचेस जीत पाए, मतलब 53% विन रेट। वही लाइनअप पर 15% का डिफरेंस, मतलब हम फर्स्ट बैटिंग करते वक्त बहुत कंजर्वेटिवली खेलते हैं, जो इससे पहले के 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हमें भारी भी पड़ चुका है। पर तभी का छोड़ो, इस टीम की बात करते हैं, एक छोटे से किस्से से शुरुआत करते हैं। मार्च में कोहली ने कहा था कि वो IPL में ओपनिंग करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि वो रोहित के साथ ओपनिंग कर सके T20 वर्ल्ड कप में। IPL का दूसरे भाग में उसी विराट ने कहा को वो ओपनर के रूप में देखता है। फिर टूर्नामेंट शुरू होने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि KL राहुल ही ओपन करेंगे, और पाकिस्तान से मैच हारने के बाद जब किसी जर्नलिस्ट ने ईशान किशन को एज अ ओपनर का सुझाव दिया तब विराट ने इसे हंसी में धुतकार दिया। अगले मैच में ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन। अब मैं इस ओपनिंग पैर को बदलने के रणनीति को समझ सकता हूँ, पर उससे ज्यादा यहाँ पर रोल्स का कंफ्यूजन नजर आता है। इस टीम को डिक्लेयर करने के बाद इन्होंने एज अ टीम एक भी मैच नहीं खेली जहां पर टीम स्टेबलाइज हो सके, पूरे टीम के रोल्स डिसाइड हो सके। मैचेस हुई तो डायरेक्टली वार्म अप मैचेस टूर्नामेंट के पहले। अब BCCI के ओरिजिनल प्लान्स में इस इशू को ठीक तरह से एड्रेस किया गया था। ये टूर्नामेंट जो ओरिजिनली इंडिया में होना था उसके ठीक पहले हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 5 T20 खेलने वाले थे, पर कोविड का सेकेंड वेव आया, वर्ल्ड कप शिफ्ट हो गया, अब उसके साथ IPL के लिए जगह बनानी जरूरी होगी। अब यहाँ पर बहुत आसान होगा कि हम BCCI पर या प्लेयर्स पे पूरा ब्लेम डाल दे कि आपने IPL को वर्ल्ड कप से ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, पर मार्च से लेकर दिसंबर तक सारे के सारे टूर्नामेंट्स ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में फिक्स हो चुका है, यानी उन्हें कैंसिल करने के लिए आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होगा, जबकि सिर्फ एक ही सीरीज ऐसी थी जो होम सॉइल पर होनी थी, इसलिए साउथ अफ्रीका के सीरीज को काटने का निर्णय लिया गया। अब BCCI चाहता तो इसके बावजूद भी जगह बना देता, आखिरकार BCCI है भाई, पर ठीक है, उम्मीद ये थी कि UAE में जाकर ये प्लेयर्स उन पिचेस से अकस्टम्ड हो पाएंगे। उम्मीद तो सही थी, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था, KL राहुल को छोड़कर इस बचे कुछ पूरे टीम का IPL के सेकेंड हाफ में जनाजा निकल गया। ईशान किशन और सूर्य कुमार एक आधा नॉक यहां वहां खेल लेते, उनके अलावा ये पूरी की पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म लग रही थी, इसलिए शायद क्रिकविज डेटा के अनुसार हमने इस वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में 20 ओवर्स खेलने के बावजूद अटैकिंग शॉट्स के परसेंटेज में सबसे नीचे का नंबर हासिल किया, और वर्स्ट टाइम शॉट्स के रेटिंग में आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी और नीदरलैंड के बाद हमारा 4th नंबर। और ऐसा भी नहीं था कि हम टीम चेंज नहीं कर सकते थे, टीम को चेंज करने का लास्ट डे था अक्टूबर 15th, IPL खत्म हुआ अक्टूबर 15th को, अरे यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी डेडलाइन के ठीक पहले अपनी टीम चेंज कर दी थी। पर अब ये सवाल बनता है, अगर ये टीम इतनी बुरी है कि आगे जाकर इसी टीम ने अफगानिस्तान का जो हाल किया और स्कॉटलैंड को 6 ओवर में निपटा दिया, उसका क्या भाई? यहाँ पर फिर हम आते हैं उस जवाब पे जो यहाँ से लेके वहां तक हर एनालिस्ट बोले जा रहा है, मेंटालिटी और प्रेशर। इस पूरे लाइनअप में सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जिसने अब तक कोई भी वर्ल्ड कप जीता हो, विराट कोहली और रोहित शर्मा।
बाकी सारे प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स का प्रेशर ही नहीं देखा। फाइनल्स का तो छोड़ो, अगर हम 2015 से भी शुरुआत करें तो हम सिर्फ एक नॉकआउट मैच जीत पाए, वो भी बांग्लादेश के सामने, वो भी विराट और रोहित के बदौलत। तो बेसिकली या तो मोस्ट प्लेयर्स ने उतना प्रेशर का कभी सामना ही नहीं किया, या फिर उन हार का वजन ऑलरेडी उन पर है और उस पर फेवरेट्स होने का प्रेशर, उस पर पहली मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट और दूसरे मैच में वर्ल्ड कप से बाहर होने का प्रेशर। बंदा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर प्रेशर सहन नहीं कर पाए, इसका सीधा कंपैरिजन आप ऑस्ट्रेलिया के 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप लाइनअप के साथ लगा सकते हैं। वो वर्ल्ड कप जो 9 साल के ड्यूरेशन में जीते गए, और हर वर्ल्ड कप में 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे होते जो इसके पहले वर्ल्ड कप खेल चुके थे, वर्ल्ड कप जीत चुके थे, जो पूरे के पूरे टीम को अपने साथ खड़ा कर पाते। इसलिए शायद धोनी को भी भेजा गया था, पर आखिरकार एक मिंटर ग्राउंड पर तो नहीं उतर सकता ना, जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है वो एक दिन में बढ़ सकती। तो ये रहा मेरा जवाब नंबर्स के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि यही जवाब है, पैक शेड्यूल बायो बबल मुझसे हर कोई बड़ा नाम इसका जवाब दे चुका है, पर ये रहा मेरा जवाब कि ये टीम एक अंडर प्रेशर आउट ऑफ फॉर्म टीम थी जिसकी कब्र टॉस ना जीतने ने खोद दी। पर सारी न्यूज बुरी नहीं है, ये तो कोई झुठला नहीं सकता कि पिछले 2 साल में इस इंडियन टीम ने ऊंचे से ऊंचे शिखर को हासिल किया है और इतिहास गवाह है। लात पड़ने पर ही आंखें खुलती है, इस बार लात तो पड़ गई, अगले साल एक और वर्ल्ड कप है और राहुल द्रविड़ कोच है और एक ऐसी टीम है जो वर्स्ट आउटकम से ऑलरेडी गुजर चुकी है। इसके ऊपर ऐसा बोर्ड जो जरा लेट ही सही पर अपने गलतियों से जरूर सीखता है, BCCI क्रिकेट का सरताज ऐसे ही थोड़ी हो गया। तो अब अगले साल की राह देखूंगा और तब तक आशा करूंगा कि आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।